नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव के बीच देखा जा रहा है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एकजुट होते हुए नजर आए हैं, वहीं कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अकेले ही चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नजारा साफ तौर पर दिखाई दिया, जहां एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वहीं दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके अलावा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने साथ पाने की कोशिश की दो सीटों पर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल का। लेकिन जनसत्ता दल के जो मुखिया हैं, बाहुबली हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, वह साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि वह बीजेपी का समर्थन नहीं देंगे और ना ही किसी अन्य दल का। दरअसल कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार रखा है और ये दोनों ही सीटें राजा भैया की पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती हैं और इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया ने समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसे में राजा भैया से जब सवाल ये पूछा गया कि जिस तरह उन्होंने अपने समर्थकों से साफ तौर पर कह दिया है कि वह पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वह जिस भी दल को वोट देना चाहें, ऐसे में राजा भैया से यह सवाल भी पूछा जाता है तो क्या अब उनके समर्थकों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है? राजा भैया ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भाजपा संजीव जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र है, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। के चुनाव हुए जिसमें दो विधानसभा हम लोग जीते लेकिन तीन में हमको सफलता नहीं मिली, तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर, एक सवाल और आखिरी, बताइए क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा दूर हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना, क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो हम जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं, आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। यहां पर साफ तौर पर वह अपनी बात रख चुके हैं कि उनके समर्थक जो चाहें वह जिसको भी वोट करना चाहें वोट कर सकते हैं, लेकिन राजा भैया ने ये बात भी कह दी है कि जरूरी नहीं है कि अखिलेश यादव की तरफ उनका रुख हो। मालूम हो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ राजा भैया की एक वक्त तलखी देखने को मिली है, हालांकि ये तलखी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनका कहना साफ तौर पर रहा बीते कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कि राजनीतिक गलियारों में देखा जाए तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन तलखी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सपा मुखिया के साथ उनकी पहले तलखी हुआ करती थी लेकिन अब वह दूर हो चुकी है। आपको मालूम हो कि सपा के संस्थापक नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं हैं और उनके साथ राजा भैया के जो संबंध रहे वो काफी खास रहे, उनके काफी करीबी नेता ये माने जाते थे, वहीं उनकी सरकार में ये मंत्री पद पर भी रहे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ इनकी तलखी देखने को मिली। लेकिन अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में तो दोनों साथ में नजर नहीं आए, कई बार कयास अटकलें तेज हुई, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।